कोकिला, उर्मिला बेन बार बार कह रही थी आपके घर में एक बहू तो आ गई, अब दूसरी बहू की जरूरत है। उन्हें ये खुशखबरी मिलेगी तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, है ना? जय श्री कृष्ण हेतलबेन। प्रसन्न होने के लिए तो भागी भागी आ रही हूँ। विक्रम, तू पहला भगवान नी सामे जेने बेसी जा, और तूने हेतलबेन को जो उठ खड़े होने के लिए 1001 बार मंत्र पढ़ने की जो मानता मानी है ना, उसे पूरी कर। देख, तेरी ही प्रार्थना का तो प्रभाव है जो हेतलबेन आज एकदम अपने पैरों पे खड़ी है। जा जा जा, जल्दी जा। साचू कहो मोटी बेन, मेरी दिकरी है ना बहुत प्रेमाल है, आखी रात ओम नमः वासुदेवाय के माला जपती रही। कहिए ना कोकिला बेन, वो खुशखबरी क्या है? वही जो एक ही घर में एक ही मंडप में लगने वाली बात। धैर्य रखिए उर्मिला बेन, जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे मुहूर्त के बारे में बात करने आया। कहिए। आपके सुपुत्र के लिए बैसाख के महीने में 2 या 3 ही सुमुहूर्त। पहला मुहूर्त अक्षय तृतीया का है और बीजों से सीता नवमी, आनानी मोहिनी एकादशी। पंडित जी, मेरे दीकरे के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ही चाहिए, समझ गए ना आप? फिर तो मोहिनी एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। धामणी। अच्छा तो मैं चलूं। जय श्री कृष्ण। आओ जो। अब बताइए बीना, मेरे पेट में तो मरोड़ उठ रही है। उर्मिला बेन, हाँ? आपके पेट का मरोड़ भी शांत हो जाएगा, खबर ही कुछ ऐसी है। हाँ, हाँ। खुश खबर ये है। हाँ? ये है। हाँ? मोटा भाभी, आप ही बताओ ना। कोकिला, उर्मिला बेन, आपको मेरे जिगर की बहुत चिंता हो रही थी ना, तो हमने आपकी वो चिंता दूर कर दी। मारा जिगर माटे एक सरस छोकरी गोती छे, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। कौन छे छोकरी? मेरी सहेली दामिनी की बेटी सोनल। मेरी सहेली के साथ साथ मेरी समधन भी बन गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सोनल को इतना बड़ा घर और तेरी जैसी सास मिलेगी। सच कहूं, हम तुम्हारे खानदान की बराबरी नहीं कर सकते। दामिनी, ऐसा सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुमने मुझे इतनी सुंदर और गुणी बहू जो दी है। इसके सामने ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मैंने सुनील के पापा से भी बात की, वो भी बहुत खुश है। शादी तक आ जाएंगे, फिलहाल एक जरूरी काम में फंस गए। दामिनी, तू शादी की चिंता बिल्कुल मत कर, सारा इंतजाम हो जाएगा। हम दोनों है ना, दोनों मिलके कर लेंगे, है ना? जा। अरे अविनाश भैया, जल्दी से हाथ चला चला के काम करो, बहुत काम है भाई।
टाइट नहीं लग रहा है? थोड़ा टाइट है। थोड़ा लूज कर दीजिए। अब ठीक है? हाँ। रंग तो मैंने आपको बता दिया है, अच्छा सहरा बनना चाहिए। मैं कल शाम तक आपको उसका ट्रायल दिखाता हूँ। सारू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात है बेटा, तू कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। नहीं माँ, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। कुछ दिनों पहले तो तू अपनी शादी को लेकर कितना खुश था, फिर अचानक क्या हो गया? जिगर, मेरी तरफ देख, तुझे सोनल पसंद नहीं है, बोल ना क्या बात है। बात यह है माँ की मुझे कोई और पसंद है। मैं मजाक कर रहा था। आपके चेहरे का रंग ही उड़ गया मेरी प्यारी मम्मी। जिगर तू पागल है, कोई ऐसे मजाक करता है क्या? आइंदा से ऐसी मजाक किए ना तो मैं तुझे सॉरी। अरे बेटा, सोनल सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, इतनी गुणी है। अरे तू दिया लेकर ढूंढने निकलेगा ना तो भी इतनी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुझे। सुंदर है ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। लेकिन एक बात है, आपकी तरह प्यारी नहीं है। तो मैं उसे मना कर देती हूँ। अरे आप हेतल, मैं ये कहने आई थी कि लगन ने दिन से बैंड बाजा और घोड़ी हमारी तरफ से होगा तो। दामिनी, वैसे रस्म तो यही होती है, लेकिन एक काम करते हैं, बा के पास चलते हैं और उन्हीं से सब पूछ लेते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो बेटा। सुनिए, रुकिए एक मिनट। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपकी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो? तो फिर ये आपकी आंखें हमेशा जमीन में क्यों गड़ी रहती हैं? जिगर, वो तो पहले से ही बेशरम था, लेकिन सोनल, सोनल को देखा तुमने? अभी तो जिगर के साथ लगन नहीं हुआ है उसका, और कैसे खिकी खिकी हा 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 कर रही थी। आजकल की छोकरियां, उन्होंने तो शर्म ना बेच खाई है। अच्छा हुआ बा ने सारी बातें ठीक तरह से समझा दी। तो बा ने जो समझाया है वो याद रखना। बा ने तुम्हें कहा है तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना। हाँ हेतल, पर देख, तू मेरी सहेली है, ठीक है, लेकिन समधन होने के नाते मेरा भी कुछ मन है, कुछ अरमान है मेरे। दामिनी, तू सिर्फ सहेली वाला रिश्ता निभा और वो ही याद रख। समधन वाले रिश्ते की तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। दामिनी जी, हेतल बिल्कुल सही कह रही है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कोकिला? हाँ ठीक छे मोटा भाई। हेतल, मैं कमरे में हूँ, जरा चेक बुक निकाल कर देना। जी मैं भी हूँ। दामिनी, तू एक काम कर, सोनल के साथ बैठकर साड़ियों का लिस्ट बना ले। ठीक है, मैं अभी आई। किंजल, ये लोग ऐसी हड़बड़ी में अपने दीकरे का लगन कर रहे हैं, आगे जाके रोएंगे।
क्या हुआ किंचन? कुछ नहीं।